हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग वे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो ये आपके 2024 की अपडेटेड लिस्ट है, तो आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये करा गया है अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अरविंद पनगड़िया इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। और अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे नीति आयोग को लेकर के, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि हाल ही में केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, जिसको कहते हैं CISF, की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये करा गया है नीना सिंह को। ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, CISF को लेकर के बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करेगा इस, पूछा ये गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, रोजर बेनी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब मैं बात कर लेता हूं BCCI को लेकर के, तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। इसको एस्टैब्लिश कराया गया था 1928 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको कहते हैं CRPF, के नए महानिदेशक किसे नियुक्त करा गया है। तो ये करा गया है अनीश दयाल जी को। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगर मैं बात कर लेता हूं CRPF को लेकर के, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेखा शर्मा जी को करा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग को लेकर के, तो इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको कहते हैं ITBP, के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त करा गया है। तो ये करा गया है राहुल रसगोत्रा को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे ITBP को लेकर के, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1962 में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें, पूछा ये गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कहते हैं इसरो, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, S. सोमनाथ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे इसरो को लेकर के, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे CJI को लेकर के, तो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है, उसको हम कहते हैं CJI, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आपको उठाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजीव कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं चुनाव आयुक्त को लेकर के, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन और इसको एस्टैब्लिश करा गया था 25 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को ही हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, महान्यायाधी की बात करें तो ये बने R. वेंकटरमणि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 16वें नंबर के हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसको कहते हैं UPSC, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं।
तो ये बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी को लेकर के बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1926 यानी कि 1926 में, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको कहते हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो डीआरडीओ को लेकर के बात करें, इसके अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामंत, ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डीआरडीओ की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ जिसको कहते हैं आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बन गई है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईओए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1927 में और इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा गया है कि फिकी FICCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये करा गया है अनीश शाह को, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। FICCI को लेकर के बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। अब इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1927 में और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो ये बन गई है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो ये कौन से नंबर की, आपको ध्यान रखना है 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो प्रेजेंट टाइम में है जगदीप धनखड़, और वो कौन से नंबर के हैं 14वें नंबर के हैं। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं के बी शाजी, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड को लेकर के बात करें गाइस तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि भारत के सोलिसिटर जनरल कौन बने हैं। तो सोलिसिटर जनरल की बात करें तो ये बने हैं तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलिसिटर जनरल क्या करता है, सोलिसिटर जनरल जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी सहायता करता है। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रेजेंट टाइम में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, आर के वेंकटर मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है माधवी पुरी बुच, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। SEBI को लेकर के बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसको बोलते हैं CBI के नए निदेशक कौन बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रवीण सूद बने हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1963 में और हेडक्वार्टर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको बोलते हैं CEO कौन बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है BVR सुब्रमण्यम बने हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूं नीति आयोग को लेकर के, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एस्टैब्लिश करा गया था सन 2015 में और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन बन गए हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को लेकर के, तो इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1964 में और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बन गए हैं अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे सवाल ये करते हैं कि भारत के पहले CDS कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है विपिन रावत जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछते हैं कि नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा गया है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करा गया है हीरा लाल सामरिया को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये बने हैं रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे बीआरओ को लेकर के, तो इसको एस्टेब्लिश कराया गया था 1960 में और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनजीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनजीटी की बात करें गाइस, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट, और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको एस्टैब्लिश करा गया था सन 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, मनोज यादव जी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको बोलते हैं बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, विवेक भसीन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के बात करें गाइस, पूछा ये गया है कि सीमा सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, ये थे आपके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें गाइज, और लोगों को शेयर करिए जिससे और लोगों का इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।